हरदोई में हर बार की तरह इस बार भी नुमाइश का मेला शुरू हो चुका है। प्रमामले की जानकारी देते हुए आयोजक एवं संचालक राम प्रकाश शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम कई सारे होने हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम व मेला कवि सम्मेलन, मुशायरा, दंगल, सुंदरकांड पाठ, गीता, गजल, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम यहां पर सांस्कृतिक होते हैं। इस दौरान पूरे मेले में एक अलग ही छटा बनी रहती है। ठीक होली से पहले लगने वाले इस मेले में बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर सभी जरूरी चीज़ें बिकने के लिए आती हैं, जिसमें खाने पीने वाली वस्तुएं भी होती हैं। खाजा और सोफ्टी जैसे आइटम लोगों के लिए खाने में ज़्यादा पसंदीदा माने जाते हैं। बताते चलें कि बड़ी संख्या में इसे लोग देखने के लिए आते हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें जवाबी कव्वाली, देवी जागरण, कन्या भोज, भंडारा आदि की तमाम व्यवस्थाएं यहां पर होती हैं। उन्होंने बताया कि धनुषभंग के साथ साथ राम बरात, सीताहरण, लंका दहन, आतिशबाजी और कई कार्यक्रम, साथ ही रावण वध का भी कार्यक्रम होता है। तो हरदोई की नुमाइश इस दौरान लग चुकी है और बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मेले में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेले में जो झूला लगा हुआ है, उसे झूलने के लिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर के बड़े और महिलाएं तक वहां पर पहुंची हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और मेले में भीड़ लग रही है। हाँ, यह जरूर है कि इस बार कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कराया जा रहा है। हरदोई शहर के सभी नागरिक आज अपने अपने द्वार पर बारात का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। बरसों बरस इस बारात का इंतजाम रहता है, लोग स्वागत की तैयारी में रहते हैं। 15 तारीख को रावण वध है, 12 मार्च को ही लंका दहन है। समय कम है, होली के बाद भी ये मेला 31 मार्च तक लगा रहेगा। 21-22 को दंगल है और 23 तारीख को विराट कवि सम्मेलन, 25 तारीख को मुशायरा और 26-27 को बाबू हरिबहादुर श्रीवास्तव देश गान प्रतियोगिता होगी। 29 तारीख को सुंदरकांड का पाठ और 30 तारीख को देवी जागरण के साथ 31 तारीख को भंडारे के बाद 31 मार्च को ये मेला पूर्ण हो जाएगा। जनपद वासियों का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिला प्रशासन का और खास करके मीडिया के सभी लोगों का जिन्होंने इसमें हमेशा सहयोग दिया है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस जन मेले को जन जन तक पहुंचाएं। यह हरदोई की एक सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे बाबू हरिबहादुर श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर सजाया और वो छोड़ कर गए। हम सब रामलीला कमेटी वाले शहर वासियों के लिए, जिले के लिए ये एक अकेला मेला है जो सभी के लिए यहाँ पर खुला रहता है, हर कोई इसमें आ सकता है।